Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay. So this is our maths textbook. Last time, what we have done? We have learned the multiplication. Okay. So I am giving you few more questions for multiplications. Okay. So look, right now you don't have textbook, notebook also. So just purchase it. Okay. School में आ चुके हैं, आप उसको purchase करो. And अभी आप जो मैं आपको work दे रही हूँ ना, ये आप rough notebook में note करेंगे. After that, जैसे आपके पास नोटबुक आ जाएगा ना, मैथ्स नोटबुक, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चन इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जाम्पल 351 मल्टीप्लाई बाई 7. ओके, सिर्फ वन डिजिट का नंबर है. नाउ नेक्स्ट इज 423 मल्टीप्लाई बाई 12. ओके, सी 721 मल्टीप्लाई बाय 32. ओके, सो आपको इतना कंप्लीट करना है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिवीजन. ओके, डिवीजन सबको आता है. ओके, सो सपोज क्वेश्चन इज, हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे. ओके, 394 डिवाइडेड बाय 4. ओके, दिस इज नंबर. सो दिस इज ओके. अब इसमें हम आंसर जो लिखते हैं वो रिमाइंडर होता है या क्वेश्चन, वो वी हैव टू फाइंड इट आउट ना. सो दिस इज अवर डिवाइजर. ओके, सो दिस इज डिविडेंड. 394 इज अवर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर. ना वी हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर एंड क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज वन डिजिट नंबर, सो वी विल गो विद वन डिजिट. बट कैन यू सी फोर वंस आर फोर, फोर वन जा फोर, तो थ्री माइनस फोर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. सो वी विल राइट टू डिजिट नंबर. ओके, नाउ ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम 39 के बहुत नियरर हो और हम उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सके. तो हम फोर का टेबल काउंट करेंगे. फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 36, 32, देन 4 9 जा 36, 9 जा 36, 4 10 जा 40, 40 इज ऑल्सो नियर टू इट एंड 36 इज ऑल्सो नियर टू इट. क्या हम 40 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, 39 माइनस 40 तो नहीं हो सकता. सो 9 जा 36. ओके, नाउ 9 माइनस 6 इज 3, 3 माइनस 3 0. नाउ टेक्स द नेक्स्ट डिजिट डाउन. Okay, so here it will be 34. Now, 4 8s are 32. Okay, 32 iske near hai na, aur isse sabse chota number hai ki hum easily subtract bhi kar sakte hain. So now it is 2. This is called as quotient. This is called as remainder. So is way mein jo bhi question aayega na, last mein aap kya likhoge? Quotient is equals to 98, remainder equals to 2. See how easy. कोई टफ है? नहीं, बहुत इजी है ये तो. ओके, सो बी. अब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे. ओके, नाउ हियर 1331 डिवाइडेड बाय 11. वेरी सिंपल. ओके, टू डिजिट नंबर, सो 1331 इज योर डिविडेंड, देन इट इज योर डिवाइजर. नाउ 11 वन जा 11, टू डिजिट है ना, तो वन डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है. टू डिजिट, सो स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ टू डिजिट. सो 11 वंस आर 11. ओके, सो 3 माइनस 1 2. नाउ टेक द नेक्स्ट डिजिट डाउन. 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो अब आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपको आ गया समझ में. ओके, सो नाउ इट इज 23. ओके, 11 वंस आर 11, 11 टू आर 22, 22 इज द नियरर नंबर और आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. सो 2 आर 22. ओके, नाउ अगेन 1, 23 माइनस 22 वन, यहाँ पे 3 माइनस 2 वन, 2 माइनस 2 0. नाउ टेक द नेक्स्ट डिजिट डाउन, दैट इज 1. सो 11 वन सा 11 0. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन हियर? 121. व्हाट इज योर रिमाइंडर हियर? 0. सी हाउ इजी इट इज. ओके, सो आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डिवाइड. सो सी डी ई. ओके, ओनली 3, ठीक है, ज्यादा नहीं है. So 1728 divided by 9. 5 divided by 10. 7321
4 divided by 12. Okay, so if any doubt is there, you can message me in a doubtnut group. It's very easy. Ek baar try karo, nahi aa raha hai, again isko wapas repeat mode mein video check karo, aapko samajh mein aa jayega. Okay, so goodbye, take care.